मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल वर्षा लली डेडा व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत ही प्यारा है। बच्चे ज़िद कर रहे हैं कि कहीं हमें घुमा के लाओ, तो आज हम उन्हें लेके जा रहे हैं बाहर। चलो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। रात को इतनी तेज़ आंधी आई थी कि हमारे पूरे टेरेस पर हमारे सारे गमले उल्टे सीधे पड़े हुए टूटे हुए मिले, और रास्ते में भी बहुत सारे पेड़ टूटे हुए मिले। गाइस, हम देखने आए हैं राष्ट्रपति भवन, बट यहाँ आके एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ आकर पता चला कि आज मंडे है और मंडे को ऑफ होता है, तो सब कुछ बंद होता है। तो हम सब बाहर ही देख कर आ गए। फिर कभी जाएंगे तो मैं आपको अंदर से पूरा ज़रूर दिखाऊँगी। तो जो राष्ट्रपति भवन है वो एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। बिल्कुल जो भी राष्ट्रपति की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, शॉप्स हैं, बैंक है, मतलब हर चीज़, जो भी एक ज़रूरत की चीज़ें जो भी होती हैं वो हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। पार्लियामेंट हाउस में बैंक भी है, डाकघर भी है। ब्रिटिश काल के दौरान पे जो जैसे रहते थे ना राजा, मतलब जो अंग्रेज लोग जैसे हुकूमत चलाते थे, वो सारा सीन पूरा कंस्ट्रक्ट कर रखा है। और राष्ट्रपति भवन में पहली बार जो वो घोड़े की, वो नहीं आपके पीछे से गाड़ी लगा के घोड़ा गाड़ी कार्ट जो होती है, जो फर्स्ट टाइम यूज करी थी वो भी अभी भी सर्दियों में आएंगे। जनवरी में हम जनवरी में आएंगे। तो वो नहीं है, भाभी छुट्टी तो पड़ी गई होंगी निक्की की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ है। एक मंकी जो है वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। हमारे अब तक कितने भी राष्ट्रपति बने हैं? 25 होते हैं। राष्ट्रपति भवन का म्यूजियम है ये, बट अफसोस आज मंडे है और हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। चलो फिर कभी आएंगे तब मैं आपको अंदर से घुमाऊंगी। तो ये था हमारा राष्ट्रपति भवन। जो ये सामने आप झंडा देख रहे हो, इसकी मैं एक स्टोरी बताती हूँ, शायद आपको नहीं पता होगी। जब ये झंडा ऊपर लहरा रहा होता है हवा में, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो देश में हैं और यहाँ पर इस भवन में भी हैं। और अगर ये झंडा जो है नीचे होता है, ऊपर लहराता नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो देश के बाहर गए हुए हैं, वो देश में नहीं हैं। इतने सारे मंकी थे यहाँ पर, ढेर सारे अपने छोटे छोटे बेबीज को लेकर आराम से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मंदिर भी है। तो
तो गाइज ये था राष्ट्रपति भवन के अंदर का नज़ारा, बट अफसोस कि हम देख नहीं पाए, और भी बहुत सी चीज़ें थी। वो बोल भी रहे थे कि देख लो, बट वहाँ क्लिनिक का काम चल रहा था तो देखने का कुछ फ़ायदा नहीं था। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो गाइज ये है बंगला साहिब गुरुद्वारा। मौसम अच्छा होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हमने अपने शूज़ वगैरह गाड़ी में रखे हैं और अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्य कहाँ? फोटो क्लिक करो, अभी तो मैं वीडियो। लक्ष्य अक्षित धोलो धोलो, अंकल नहीं आ रहे अभी, धोलो जाओ जाओ अंदर, अंकल आप थोड़ा सा उधर जाओ। लक्ष्य मछली के ऊपर चल जाता अंदर जाना, गैस ना बना के अब हम सारे जा रहे हैं सारे के सारे लंगर करने। तो फ्रेंड्स हम घर आ गए हैं अब, हमने बहुत मस्ती की, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।